हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर फिफ्थ ODE का होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, जो इससे पहले वाले वीडियो से उसमें हमने हमारा फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में अभी भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर क्या है, फोर्थ से ही लिंक करना है। इसमें क्या है, इसमें भी हमें CF और PI निकालने हैं। बट ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब तो आपको पता ही है कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखो डेफिनेशन क्या होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। सबसे पहले ये देखिए, देखो इसकी डिग्री किस, इसको देखो पी नोट एक्स एन डी एन वाई वाई डी एक्स की एन। ठीक है, देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री तो 1 ही है, तो इसलिए वो क्या है, लीनियर इक्वेशन है। प्लस में पी वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन डी रेस टू पावर एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स एन माइनस वन। ठीक है, पी नोट पी वन एंड पी एन यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास। ठीक है, देखो एक्स की पावर एन है और जो डेरिवेटिव है वो भी एन की पावर में ही हो रहा है। ठीक है, p की पावर 1 है तो x का डेरिवेटिव किस में हो रहा है, n माइनस 1 में, और जो इसकी d है उसका डिफरेंशिएशन d डी रेस्ट पावर n माइनस 1 y अपॉन में डी एक्स एन माइनस 1 में ही हो रहा है। ठीक है, और कहां तक चल रहा है, पी एन वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि p की पावर n हो जाएगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस एन जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और खाली क्या रह जाएगा, y रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये हमारा फॉर्मूला है, डेफिनेशन है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। पी नोट पी वन पी टू पी एन आर कॉन्स्टेंट्स है, एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स है, और उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इसलिए बिकॉज डिग्री क्या उसकी, 1 है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं क्या बताती हूँ आपको, रूल्स बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि क्वेश्चन हमें कैसे सोल्व करने, तो स्टेप के साथ साथ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग वर्किंग रूल देखिए। सबसे पहले क्या होगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा होगा उसको। ठीक है, गिवन इक्वेशन होगी। सेकंड में हमें क्या करना है, इफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, एक्स को इज इक्वल टू ई जेड पुट करेंगे, ई की पावर जेड पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, लोग हमें अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोग एक्स इज इक्वल टू जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में स्टेप थर्ड क्या होगा, सिंबॉलिक फॉर्म में बनाएंगे हम इसको। ठीक है, x डॉट d बाय डी एक्स, जो ये होगा x d बाय डी एक्स, उसको हम d पुट करेंगे, एक्स स्क्वेयर डी बाय डी एक्स का स्क्वेयर, उसको हम d d माइनस 1 पुट करेंगे, एक्स क्यूब d की क्यूब अपॉन में डी एक्स की क्यूब, उसको हम पुट करेंगे d d माइनस 1 d माइनस 2। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास हमारी एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी, वहां से हम रूट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, और रूट्स क्या आपको पता ही होते हैं, रियल होते हैं तो क्या आएगा, और अगर रूट्स रियल है तो क्या होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे तो क्या होंगे, और इमेजिनरी होंगे तो क्या होंगे, ये हम जो हमारा फोर्थ चैप्टर उसमें पढ़ चुके हैं, और बाकी अब क्वेश्चन करेंगे तो उनके साथ क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ आपको क्या होगा, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं, उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा दूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ये। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स के क्यूब डी क्यूब वाई डी एक्स की क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बोन में डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है हमने उसको लिख दिया, वाई इसमें से कॉमन निकाल लिया, ये हमारी क्या बन जाती है, सिम्बोलिक फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ई जेड, जब हमारे पास क्या होता है, लोग एक्स इज इक्वल टू जेड आता है। ठीक है, ये स्टेप हमें लिखना होता है कि भाई हमने पुट किया एक्स को इतना, उसके बाद में हमने इसका लॉगरिथम कर दिया, तो लोग एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोग से ही कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। ठीक है, हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एक्स डॉट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स बाई डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने वैल्यूज पुट की, तो देखो डी का क्यूब था तो यहाँ पे क्या आएगा, डी डी माइनस 1 डी माइनस 2। ठीक है, डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब को हम क्या पुट करेंगे, डी डी माइनस 1 डी माइनस 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसकी जगह वैल्यू रख दी प्लस 6 एज इट इज, स्क्वेयर है तो डी डी माइनस 1
प्लस में 4। अब जो x d बाय डी एक्स है तो क्या पुट करेंगे, इसकी जगह हम पुट कर देंगे d, पुट कर देंगे, और माइनस में 4 एज इट इज। y है इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास मिलेगा, हमारे पास देखो ये इक्वेशन आ जाएगी, जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं कौन से मेथड से, पहले तो हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी भाई, डी के क्यूब प्लस 3d का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। स्टेप समझिए आप फिर से, हमने क्या किया, सिर्फ पुट किएंगे एक्स को ई रेस्ट पावर जेड। अभी इसका यूज नहीं है बिकॉज यहाँ पे 0 है साइड में, अगर यहाँ पे कुछ x होता है, x का स्क्वायर होता तो इसका यूज होता, बट हम लिखते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद में पुट कर दिया एक्स डी बाई डी एक्स को d, इसको इक्वेशन इसमें पुट कर दिया। नॉर्मली सिर्फ यही क्या है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद में एक्सिलरी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, काट पीट देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। हमने पुट किया d इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, 1 प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये रूट बन रहा है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, तो मतलब 1 इसका रूट बन रहा है, तो 1 से हम सोल्व करेंगे, तो 1, 3 डी नहीं है तो 0 माइनस 4, देन 1 एज इट इज 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4, 1 एज इट इज 1, 1 जा 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 1 जा 4 यहाँ पे, 4 4 1 जा 4 यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब हमारा क्या है ये 6 है रूट। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d का क्यूब प्लस 4 d का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, डी इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपको ये तो सोल्व करना आता ही है, तो देखो हमारा सी एफ क्या बनेगा, देखो ये दोनों क्या है, सेम है, सेम के लिए भी आपको पता है सी एफ हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग हमारा सी एफ क्या आ जाएगा, सी एफ हमारे पास क्या आएगा, सी वन। ठीक है, क्या आएगा, सी वन ई रेस टू पावर, सी वन की वैल्यू क्या है, पहले हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 2 एंड माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो लिखेंगे यहाँ पे 1z। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख देंगे हम, 1z लिख देंगे। ठीक है, ये हमने z क्यों लिया, बिकॉज x हम z e रेस टू पावर z के इक्वल में लिख के चल रहे हैं। ठीक है, देखो ये लिख दिया हमने इसके लिए, अब इसमें देखो ये दोनों क्या है, सेम, सेम के लिए क्या होता है, c2 प्लस c3 z। ठीक है, और e रेस टू पावर कितना, माइनस 2z लिख देंगे यहाँ पे, इतनी बात क्लियर। तो अब देखो e रेस टू पावर z किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो c1x आ जाएगा प्लस में c2 प्लस c3। अब z किसके इक्वल है, log x के इक्वल है, तो log x, और यहाँ पे e की जगह क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, तो x रेस टू पावर माइनस 2। ठीक है, तो हमारा ये क्या आता है, आंसर आ जाता है, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। और देखो इसका पीआई निकालते हैं, पीआई वैसे निकालेंगे नहीं इसमें, बिकॉज देखो जो हमारा एक्स है जो साइड में मल्टीप्लाई करते थे वो क्या है, 0 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो हमारा जो कम्प्लीट सोल्यूशन होता है वो यही आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए आप लोग, इसमें क्या है, पहले ही हमें डी में दे रखी है। ठीक है, और हमें डी पता है, डी कितना होता है, डी बाय डी एक्स होता है हमारे पास डी, आपको ये बात भी पता है। ठीक है, तो इक्वेशन इज होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर डी का स्क्वायर प्लस 2xd माइनस 2, वाई कॉमन लेंगे 0 आ जाएगा। पुट क्या करना है, हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू इजेड पुट करना होता है, और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या गया, वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर रखे, बस और कुछ नहीं कर रखा, वाई कॉमन लेंगे तो एक्स वाला इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू d डैश d माइनस 1 डैश क्यों लगाया, आप ये देखें यहाँ पे ये इक्वेशन d में है पहले ही, तो हमें d डैश यूज करना पड़ेगा। आपको भी पता है अगर हमारे पास जैसे x है और हमें दोबारा x चाहिए तो x के ऊपर डैश लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लेके चलेंगे, d डैश लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, d माइनस 1 मतलब d डैश d माइनस 1, और इसकी जगह क्या पुट करेंगे, 2 तो एज इट इज रहेगा, और इसकी जगह हम पुट कर देंगे d डैश। ये इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 2। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो d डैश 2
प्लस डी डैश माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ये लिख देंगे यहाँ पे। फिर इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी डी डैश इक्वल्स टू वन एंड डी डैश इक्वल्स टू माइनस टू। और यहाँ पे देखो वाई इज इक्वल्स टू सी वन एक्स रेस्ट टू पावर माइनस टू प्लस सी टू रेस्ट सी टू एक्स। इसको पहले हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ई की फॉर्म में। जैसे इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सी वन ई रेस्ट टू पावर माइनस टू जेड प्लस में सी टू ई रेस्ट टू पावर माइनस जेड, सॉरी प्लस में जेड आ जाएगा। फिर ई रेस्ट टू पावर जेड की जगह हमने एक्स पुट कर दिया और यहाँ पे भी एक्स पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऐसे सोल्व हो जाती है ये, ठीक है। इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ई रेस्ट टू पावर जेड की जगह एक्स और यहाँ पे भी ई रेस्ट टू पावर जेड की जगह एक्स पुट कर देंगे। तो हमारा जो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी हमारा सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखो भाई ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट और देख लिया आप लोग। ये देखो डी की क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की क्यूब है माइनस फोर एक्स डी स्क्वेयर अपॉन में डी वाई स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर है। अब आप इस क्वेश्चन में एक बात देखें, इसमें क्या है हमारे पास एक्स की क्यूब नहीं है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे एक्स की क्यूब नहीं है, यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक्स की क्यूब दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड किससे, एक्स क्यूब से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स क्यूब, बिकॉज हमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इस वजह से हमें चाहिए एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डी की क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स की क्यूब माइनस, देखो इसमें करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर रह जाएगा डी स्क्वेयर वाई में अपॉन में डी एक्स का स्क्वेयर। इसमें दो पावर कट जाएंगी, एक पावर रह जाएगी, और इसमें तीनों की तीनों पावर कट जाएंगी और टू वाई इक्वल्स टू वन हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा। इसमें से वाई कॉमन भी ले सकते हो आप, ठीक है। अब इसकी जगह हम वैल्यूज पुट करते हैं, हम क्या करेंगे पुट एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर जेड, सो दैट क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल्स टू जेड के इक्वल हो जाएगा। और अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, पुट करेंगे हम डी एक्स की क्यूब डी क्यूब अपॉन में डी एक्स की क्यूब इज इक्वल्स टू डी डी माइनस वन एंड डी माइनस टू। ऐसे ही हम एक्स की स्क्वेयर डी बाय डी एक्स स्क्वेयर को पुट करेंगे डी डी माइनस वन और एक्स डी बाय डी एक्स को पुट करेंगे डी, ठीक है। इतने बात क्लियर, अब इन वैल्यूज को यहाँ पे रखेंगे तो हम क्या आएगा डी डी माइनस वन डी माइनस टू माइनस फोर डी डी माइनस वन प्लस फाइव, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी आ जाएगा माइनस में टू और वाई ले लेंगे इसमें से कॉमन इज इक्वल्स टू जीरो। इस इक्वेशन को आप सोल्व करना, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, हमारे पास लास्ट में आंसर आता है डी की क्यूब माइनस थ्री डी का स्क्वेयर प्लस सिक्स डी माइनस थ्री डी का स्क्वेयर प्लस सिक्स डी माइनस फोर डी का स्क्वेयर प्लस फाइव डी माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डी की क्यूब माइनस सेवन डी का स्क्वेयर प्लस इलेवन डी माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी इज इक्वल्स टू टू पुट करो, यहाँ पे आ जाएगा एट, यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी एट, यहाँ पे ट्वेंटी टू माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो डी डी इज इक्वल्स टू टू क्या हो गया, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन सेकेंड, इसको सेकेंड कंसिडर करेंगे, इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अब सोल्व करेंगे टू से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट, यहाँ पे आ जाएगा एट, रुको एट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वन, देखो यहाँ पे वन है ना, यहाँ पे आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस सेवन, यहाँ पे आ जाएगा इलेवन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू। इसको सोल्व करेंगे तो वन एज इट इज, टू वन जो टू माइनस फाइव, यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे टेन आएगा ना माइनस का, तो यहाँ पे प्लस वन बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा टू और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी का स्क्वेयर माइनस फाइव डी प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। देखो इसके रूट्स तो बन नहीं रहे हैं, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी आ जाएगा प्लस माइनस फोर ए सी ट्वेंटी फाइव माइनस फोर अपॉन में टू, दैट इज प्लस फाइव प्लस माइनस ट्वेंटी वन अपॉन में टू आ जाएगा, ठीक है। तो d का एक रूट तो हो गया 2 और दूसरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 बाय टू एंड प्लस माइनस 21 बाय टू आ जाएगा। इसकी भी दो वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएगी, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा सी एफ क्या आ जाएगा, सी वन ई रेस टू पावर टू जेड प्लस सी टू ई रेस टू पावर कितना, देखो 5
5 बाय 2 एक तो प्लस की फॉर्म में ले लेंगे, प्लस रूट 21 बाय 2, प्लस में C3E 5 बाय 2, माइनस में 21 बाय 2। ठीक है, एक प्लस में ले लिया, एक माइनस में ले लिया। अब आप क्या करोगे, E की जगह X पुट करते हो। ठीक है, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 बाय 2 कॉमन ले सकते हैं, C1 e raised to power 2Z प्लस में, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, e raised to power 5 by 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, C2 e raised to power 21 by 2 प्लस में C3 e raised to power minus 21 by 2 हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा। अब देखो PI निकालते हैं हम इसका, देखो PI हम निकालेंगे इसका, PI कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास देखो ये इक्वेशन थी ये वाली, इसके साथ हम इसको, इसके साथ हम सोल्व करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, E की पावर क्या है, e raised to power 3x है, देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है, तो PI सोल्व करेंगे, e raised to power 3z, इसलिए बिकॉज x raised to power 3 से मल्टीप्लाई की थी, तो इस साइड भी 1 से मल्टीप्लाई करके x की क्यूब हो गई थी। ठीक है, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे d = 3, d को 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/27 - 63 + 33 - 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x की क्यूब चल रही है साथ में, तो -1/5 x की क्यूब आ जाएगी, x की क्यूब इसलिए बिकॉज इसकी वैल्यू x की क्यूब थी, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे x की क्यूब पुट कर दिया, तो हमारे पास जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो हमारा एक तो ये था, हमारा CF था, C1 e raised to power 2z + C2 e raised to power, हमने कॉमन ले लिया था ना, हमने कॉमन ले लिया था 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा C2 x raised to power 21/2 प्लस में C3 x raised to power -21/2 और प्लस माइनस में 1/5 एक्स की क्यूब। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।